दोस्तों, इस न्यूज़ को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड को बदनाम करने वाले इन बॉयकॉट गैंग्स के लोगों का कोई ईमान धर्म है कि नहीं? दोस्तों, ये सवाल मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं कि भैया, इन दिनों मैंने बॉयकॉट गैंग्स के लोगों का जो अलग अलग रूप देखा है, उसको देखने के बाद मैं तो भैया पूरी तरीके से अचंभित हो गया हूं कि भैया, इन लोगों ने इन 4-5 महीनों में जिस तरीके से अलग अलग रूप धर के लोगों के इमोशन से खेला है भाई, वो काबिले तारीफ है। यानी कि भैया, इन लोगों के रूप रंग को देखकर आज तो बहुरूपिया समाज भी ये सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि भाई, हम क्या रूप रंग बदलते हैं, हमसे तो ज्यादा रूप रंग बदलने वाले इन दिनों YouTube पर नजर आते हैं। तो दोस्तों, क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है अभी ही थोड़ी देर पहले जारी की गई TRP रिपोर्ट से। दोस्तों, आपको तो पता है कि इन दिनों पूरी इंडियन ऑडियंस की निगाहें TRP रिपोर्ट पे थी कि भैया, ये जो 40वें हफ्ते का TRP लिस्ट आएगा, इस लिस्ट में क्या फेर बदल होने वाला है। यानी कि भैया, ये TRP लिस्ट तो अभी आई है, लेकिन भैया इसकी चर्चा तो कुछ दिनों पहले से ही होने लगी थी। यानी कि भैया, बिग बॉस के टेलीविजन पर आने से पहले बिग बॉस को लेकर कितनी नेगेटिविटी फैलाई गई थी, ये तो हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर देखा था। यानी कि भैया, बॉयकॉट गैंग इस शो को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी, इस बात को लेकर कि भाई, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम तो भैया इस शो का बहिष्कार ही करेंगे। यानी कि भैया, हम इस शो को तो खुद देखेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को यह जरूर बोलेंगे कि भाई, इस शो को आप मत देखो, आप इसका बहिष्कार करो, आप इसको बॉयकॉट करो। यानी कि भैया, बिग बॉस की एंट्री नहीं हुई और भाई, बिग बॉस को लेकर नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी। और भाई, जैसे ही बिग बॉस की एंट्री होती है टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पे, तो भाई ये जो बॉयकॉट गैंग है, ये अपना नया रूप धर लेती है। यानी कि भैया, ये केवल बिग बॉस की बातें करने लगती है। यानी कि भैया, जो लोग कल तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कर रहे थे, लगातार ये बातें बोलते नजर आ रहे थे कि भैया, जब तक सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत का सच हम लोग सबके सामने नहीं लाएंगे, तब तक हम आवाज उठाएंगे और भाई, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की आने वाली फिल्मों का बहिष्कार करेंगे, सलमान खान के आने वाले मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेलीविजन शो यानी कि बिग बॉस का बहिष्कार करेंगे। और भाई, इस बॉयकॉट गैंग ने जिस तरीके से लोगों के इमोशन के साथ खेला, ये तो हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर देखा। और भाई, इस बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भैया, कई लोग 100 सब्सक्राइबर से 800,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए, यानी कि 800,000 सब्सक्राइबर इन लोगों ने पिछले 4 महीने में ही बना लिए। यानी कि भैया, और भाई, इसमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चैनल्स पर अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं मेरे भाई। यानी कि लोगों के इमोशन से इन लोगों ने इतने बेहतरीन तरीके से खेला कि भैया, एक सब्सक्राइबर से शुरू किया हुआ इनका सफर 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाला है। और भाई, अब यही लोग बिग बॉस की TRP का भी फायदा उठाना चाहते हैं। यानी कि भैया, इनको पता चल गया है कि भैया, बिग बॉस की तो एंट्री टेलीविजन पर हो चुकी है और ऑडियंस जो है वो बिग बॉस देख रही है, तो भैया हम बिग बॉस का रिव्यू क्यों ना करें। यानी कि भैया, कल तक ये लोग सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए अपना झंडा बुलंद किए हुए थे, आज उनका झंडा जो है वो बदल चुका है। यानी कि भैया, अब उनके डंडे में जो झंडा है वो आ चुका है बिग बॉस का। और ये आप लोग लगातार देख रहे होंगे मेरे भाई, कई सारे चैनल्स पर भाई बातें करेंगे बिग बॉस की, लेकिन उसमें थोड़ा सा तड़का लगा देंगे सुशांत सिंह राजपूत वाला। यानी कि भैया, हम दोनों तरफ हैं, हम पैरेलल हैं। यानी कि भैया, हम ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, हम आपके इमोशन से हमेशा खेलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो चीजें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन भाई आज फाइनली TRP रिपोर्ट आ चुका है, तो भाई TRP रिपोर्ट में क्या फेर बदल हुआ है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टॉप 5 शोज के बारे में जो कि भैया 40वें हफ्ते की TRP लिस्ट में, टॉप 5 के लिस्ट में अपना नाम अंकित कराने में सफल हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूंगा, तो भैया कुछ लोगों के दिलों को ठंडक पहुंचेगी, क्योंकि भैया वो यही सुनना चाह रहे थे कि भैया बिग बॉस जो है वो टॉप 5 की लिस्ट में अपना नाम स्थापित करने में नाकामयाब रही। यानी कि भैया, बिग बॉस जो है टॉप 5 की लिस्ट में नहीं आई है। यानी कि भैया, ये जो 40 हफ्ते का जो TRP लिस्ट आया है, उसमें बिग बॉस का नाम टॉप 5 में नहीं है। और भाई, कुछ लोगों के दिलों को ठंडक मिल गई होगी मेरे इस बात को सुनते ही। तो भैया, आप लोग ठंडक रखो दिल पर, लेकिन भैया कुछ दिनों बाद यह खबर आपको मैं ही बताऊंगा कि बिग बॉस जो है वो नंबर 1 के पोजिशन पर आ गया है TRP के
लिस्ट में। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके उन शोज के नाम बता देता हूं जो कि भैया इन दिनों टॉप 5 के लिस्ट में है। तो दोस्तों नंबर 5 के पोजीशन पे है तारक मेहता का उल्टा चश्मा 5,667 इंप्रेशन के साथ में, यानी कि भैया ये शो पिछले हफ्ते तीसरे पायदान पर था जो कि घिसक कर आ चुका है पांचवे नंबर पर। उसके बाद में जो चौथे नंबर पे जो शो है वो है रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर, यानी कि भैया ये शो 5,766 इंप्रेशन के साथ चौथे पायदान पर है। उसके बाद में जो तीसरे नंबर पे जो शो है वो है कुमकुम भाग्य, जो कि भैया जी टीवी का शो है और इस शो को जो इंप्रेशन मिला है वो है 6,257। इसके बाद नंबर 2 पे जो शो है भैया वो है अनुपमा, जो कि भैया 7,292 इंप्रेशन के साथ दूसरे पायदान पर कामयाब है। इसके बाद नंबर 2 पे जो शो है भैया वो है अनुपमा 7,292 इंप्रेशन के साथ। और इसके बाद नंबर 1 के पोजीशन पे जो शो है वो है कुंडली भाग्य 7,801 इंप्रेशन के साथ, यानी कि भैया ये वो टॉप 5 शोज हैं जो कि भैया 40वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में अपना नाम अंकित कराने में कामयाब रहे। तो दोस्तों भले ही टीआरपी की लिस्ट में यानी कि भैया टॉप 5 की लिस्ट में बिग बॉस अभी नहीं आ पाई है, लेकिन आने वाले दिनों में यह भी हमें देखने को मिलेगा कि भैया ये शो धीरे धीरे करते हुए भैया नंबर 1 के पायदान पे पहुंचेगी। और सबसे मजे की बात भाई, जो कल तक बिग बॉस की बुराई करते नजर आ रहे थे आज वही बिग बॉस का नाम ले लेकर भाई टीआरपी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो भाई इस चरित्र को आप क्या बोलोगे अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वरुण जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वरुण जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।